अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले अपने पेशेंट की भलाई एक डॉक्टर की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। मैं तो बस ये चेक कर रहा था कि कहीं तुम ज्यादा हर्ट तो नहीं हो गए। कैसा प्लान बेटा? बिना किसी को बताए हम बारी बारी से हॉस्पिटल की पेट्रोलिंग करेंगे, लेकिन आगे ऐसा ना हो इसके लिए मैं अपनी जान लगा दूंगा। अगर आस्था से अपने दिल की बात कहेंगे तो फिर आज क्यों नहीं? मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम आजकल काम बहुत अच्छा कर रही हो। I must say, hi. This is Siddhant. Hi. My fiance. आस्था, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है। I'm sorry, गौरव, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं। काम काम और बस काम। कभी किसी को मौका देते हो अपने पर्सनल मैटर्स डिस्कस करने का? लेकिन मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, काम को लेकर आपका जुनून और और मैंने सिद्धांत को बता दिया है कि जब तक तुम्हारा काम खत्म नहीं हो जाता तुम किसी को नहीं छोड़ते। नहीं आशा, अब मैं बदल गया हूँ। अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। रियली? थैंक्स यार, मुझे लगा था मुझे बहुत देर वेट करना पड़ेगा। नाइस मीटिंग यू। बाय गौरव। मैं तो पहली बात सुनकर परेशान थी। ये हॉस्पिटल में क्या हो रहा है सिद्धांत? बेचारी मामा क्या क्या झेलेंगी वो? क्यों उनकी लाइफ स्मूथ नहीं हो पाती? क्यों हर कदम पर उन्हें ऐसे झटके मिलते रहते हैं? मैं भी यही सोचता हूँ। एक इंसान जिसने हर वक्त दूसरों का भला सोचा, दूसरों का भला किया, भगवान उसी को Anyway, let's see. यश, और मैंने जो प्लान किया है अगर वो सक्सेसफुल हो जाए तो सिमरन आंटी को कम से कम हॉस्पिटल की तरफ से कोई टेंशन नहीं होगी। थैंक्स सिद्धांत, तुम मम्मा के लिए कितना कुछ कर रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें थैंक्स क्यों बोल रही हूँ? तुम्हारा तो ये फर्ज बनता है। आफ्टर ऑल यू आर जस्ट लाइक अ फैमिली मेंबर। थैंक्स तो हमें यश का कहना चाहिए, वो हमारा कुछ नहीं लगकर भी कितना कुछ कर रहा है। हाँ, यश सिमरन आंटी को बहुत मानता है। नहीं, वे घर चले, बहुत देर हो रही है। ओके। एक बार एक नवाब साहब ने एक भाई साहब से पूछा, हुजूर क्या मैं आपको तकलीफ दे सकता हूँ? तो उन्होंने कहा, देख के देख ले भाई। यश, तुमने कभी अपने बारे में कुछ नहीं बताया। अच्छा, तो अभी बता देता हूँ। मेरा नाम है यश और मैं कुछ ही दिनों पहले यूएस से आया हूँ। यश, कभी तो सीरियस हुआ करो तुम, प्लीज। अपने बारे में का मतलब है तुम्हारे घर के बारे में, घर वालों के बारे में। तो ऐसा बोलना चाहिए था ना। अब घर वालों के बारे में क्या बताऊँ, बस एक माँ है जो कि माँ। मैंने तो सुना था कि तुम दरअसल मैं अपनी माँ के लिए कभी भी थी शब्द इस्तेमाल नहीं करता। फादर तो बहुत पहले ही गुजर गए थे, लेकिन माँ उनके काफी वक्त बाद गई। बस कुछ यादें हैं जिन्हें संभाल कर रखा है मैंने। जिंदगी अपने माँ बाप के बगैर गुजारना कितना मुश्किल होती है, ये मुझसे बेहतर और कौन जानता है। यूएस में इतने सारे लोगों के बीच रहते हुए भी हमेशा अकेला था मैं। मुझे तो लगता है रिश्ते खुशियों से ज्यादा तकलीफ ही देते हैं। तुम्हारा कोई नहीं है इसलिए तुम तन्हा हो, और मैं अपनों के होते हुए भी। आप अपने हस्बैंड की बात कर रही हैं ना? मैंने सुना है कि आपके और आपके हस्बैंड के बीच कुछ। यश, हम कैन वी चेंज द टॉपिक प्लीज। आई एम सॉरी, मेरा मतलब आपको तकलीफ पहुंचाने से नहीं था। कोई बात नहीं,
वैसे भी अब सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरे हस्बैंड ने डिवोर्स पेपर्स भेजे। कभी कभी रो लेना अच्छा होता है। कितना बदनसीब है वो इंसान जो आपको खो रहा है। क्यों नहीं सकता? क्यों मुझे बुरा लगता है जब आप रोते हैं? Why? ये लो, यहाँ बैठा। इतनी देर से ढूंढ ढूंढ के थक गए। क्या बात है, लव कन्फेशन के साथ साथ डेटिंग भी शुरू कर ली। आइंदा तुम लोग कभी भी मेरा नाम आस्था के साथ मत जोड़ना। क्या हुआ गौरव? वो कभी मेरी नहीं हो सकती, वो किसी और की हो चुकी। इसीलिए कहती थी बोल दो से, पर नहीं। उन दोनों का रिश्ता कुछ दिनों का नहीं बल्कि बचपन से। जिन लोगों को बचपन से रिश्ते मिल जाते हैं उन्हें मेरी तरह रिश्ते खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, और ना ही उनके सपने मेरे सपनों की तरह टूटते, क्योंकि उनके हर सपने को पूरा करने के लिए उनके पास कोई ना कोई रिश्ता होता। गई तुम? तुम्हारा सूट प्रेस कर रहा हूँ। तुम मेरा सूट क्यों प्रेस कर रहे हो अभी? क्योंकि शगुना जो है वो नाश्ता प्रिपेयर कर रही है। हो गया। उर्मिला ठीक ही कहती है, यू कांट चेंज डेस्टिनी। आपकी किस्मत में जो लिखा है आप उसे बदल नहीं सकते। कमिया इधर आओ। अभी जानते हो ईश्वर ने तुम्हें मेरी जिंदगी में क्यों भेजा है? ताकि तुम मेरी जिंदगी के अंधेरे में उजाला भर सको। ईश्वर ने मुझे आखिरी मौका दिया है अपने पापों का प्रायश्चित करने का। फिर वही बात। अभी प्लीज जो बीत गया उसे मत दोहराओ, एंड प्रॉमिस मी दोबारा तुम ऐसी बात नहीं करोगे। जो तुम्हें सुनना अच्छा नहीं लगता वो क्यों कहूंगा मैं? थैंक यू। किस बात के लिए? तुम्हारी बात मानने के लिए या तुम्हारे कपड़े प्रेस केस के लिए? दोनों के लिए। अच्छा अब जाओ, मुझे चेंज करना है। देर हो जाएगी तो तुम्हारी ये मेहनत वेस्ट हो जाएगी। अच्छा तो सुनो, ये तुम्हारा सूट यहीं रखा हुआ है मैंने बेड पर, मैं ब्रेकफास्ट टेबल पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हाँ थैंक यू। एक मिनट। भाई आणखीन काय पाहिजे? नहीं इतना सब कुछ तो है, काफी है। सिया नहीं आई? नहीं, वो तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके चली गई। वो
सिद्ध बेटा आया था ना, वो लेके गया। ये सिया ना अभी मेरे हॉस्पिटल के डॉक्टर का बहुत टाइम वेस्ट करती है। वो बेचारा रात को उसे लेने आता है, सुबह उसे छोड़ने जाता है कॉलेज। उसके कान पकड़ने चाहिए मुझे सच्ची। अरे तुम भी कमाल करती हो, थोड़ा सा तो वक्त मिलता है उन दोनों को एक दूसरे के साथ, तो उसमें क्यों आड़े आ रही हो तुम? ये डॉक्टर के साथ प्यार करना ना बहुत मुश्किल काम है, टाइम फैक्टर बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। मुझसे पूछो। हंस लो मुझ पे, हंस लो मेरे दिल के जख्मों पे, हंस लो, कोई बात नहीं। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड गुड टू सी यू ऑल इन अ जॉली मूड। गुड मॉर्निंग, कम 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 जॉइन अस। नहीं सर, मैं ब्रेकफास्ट करके आया हूं। अरे बैठो ना, आओ बैठो। ओके यश, तुम यहां क्यों आ गए बेटा? मैम अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं चला जाता हूं। अरे नहीं नहीं पापा, मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं था बेटा। मैं बस ये कह रही हूँ कि आजकल हॉस्पिटल आना जाना मैं मैनेज कर रही हूँ ना बेटा, इसीलिए कह रही थी। मैम अब कोई अच्छी आदत क्यों बदले? शगुना, शगुना की हंसी की आवाज नहीं आई, तू यहीं है ना? मैं इधर ही छे भाई। तो क्या बात है? हाँ भाई, एक बात बोलूं? कहो। शंकर है ना, तुम ना शंकर पे भरोसा रखना, उसको ना तुम्हारी अस्पताल की बहुत फिक्र है सच्ची। आते शगुना, तू और शंकर दोनों हमारे परिवार का एक हिस्सा हो, और अपना समझकर ही उसे हॉस्पिटल में लापरवाही ना बरतने के लिए कहा है। तू चिंता मत कर। मैम अब चलें? आज जाने का इरादा नहीं है क्या? कम ऑन, वी गेटिंग लेट। नहीं नहीं चलते हैं। तू ठीक है शगुना? कम यश, मैं ठीक, बाय। अभी बाय बाय। बाय सर। बाय। हाय, क्या कर रहे हो गौरव? कुछ नहीं, शॉर्ट डिवीजन कर रहा हूँ। नेक्स्ट शेड्यूल कब से प्लान किया है? अभी डिसाइड नहीं किया मैंने। गौरव, 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 कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो? कोई भूल हो गई मुझसे? अरे सा, मैं काम पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा था इसलिए डिस्टर्बेंस नहीं चाहता था। अब मैं समझी तुम्हारी नाराजगी की वजह। तुम कल मुझसे कुछ कहना चाह रहे थे और मैं बिना सुने चली गई थी। लिसन गौरव, आई एम रियली सॉरी। बताओ ना क्या बात थी? गौरव, आई सेड आई एम सॉरी। बताओ ना क्या कहना चाह रहे थे? आस्था, तुम्हें पता है ना मेरी मेमोरी कितनी वीक है, मुझे अभी की बातें तो याद रहती नहीं और तुम मुझे कल की बातें याद दिला रही हो। मुझे तुमसे ऐसी कोई नाराजगी नहीं है, बिलीव मी। कम ऑन, अब ये शॉर्ट डिवीजन कर लो और प्रॉपर्टीज निकालनी है कल के शूट के लिए, याद है ना? चेयर अप, टेक इट। अजीब लड़का है, इसके मूड का कुछ भरोसा ही नहीं रहता। नानू ऐसे लोगों के लिए ठीक ही कहते हैं, पल में तोला पल में माशा। मे आई कम इन? आओ यश, आओ। मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। दिल को दिल से राह होती है, तुमने मुझे याद किया और मैं आ गया। बहुत इंटरेस्टिंग बातें करते हो, बैठो। थैंक्स ब्रदर। अच्छा ये बताओ कि मेरे पास क्यों आ रहे थे? बस यही पूछने आ रहा था, कल रात पेट्रोलिंग के दौरान तुमने कुछ गड़बड़ महसूस की, कुछ नोटिस किया? नहीं, कल रात तो एवरीथिंग वाज फाइन एंड स्मूथ। इतनी जल्दी रिजल्ट्स एक्सपेक्ट मत करो यार। हाँ तुम सही कह रहे हो। एनीवे आज मेरा टर्न है, तुम आराम करो। ये टर्न वन क्या होता है, अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मैनेज कर लेंगे। और वैसे भी हॉस्पिटल के बाद तो मैं फ्री ही रहता हूँ, आई विल कंटिन्यू विद द नाइट ड्यूटी। नहीं यश, इस तरह मैं तुम्हें राउंड द क्लॉक काम नहीं करने दूंगा।
आज तुम रेस्ट करो। सेठ, अगर तुम इस तरह राउंड द क्लॉक काम करोगे तो फिर सिया को टाइम कब दोगे? भाई प्यार है तुम्हारा, हक बनता है उसका तुम्हारे वक्त पर। अब ये नाइट ड्यूटी तो हम जैसे अकेलों का काम है, जिनका ना कोई आगे है और ना कोई पीछे। थैंक्स यश, यू आर टू गुड। तुम्हारे जैसे सैक्रिफाइसिंग और कंसर्न नेचर के लोग बहुत ही कम होते हैं। तुम्हारी खुद की फैमिली नहीं है, लेकिन तुम कितनी अच्छी तरह से रिश्तों को निभाते हो, उन्हें समझते हो, अपने आसपास के लोगों को अपनेपन का एहसास दिलाते हो। हर कमी अपनी अहमियत का एहसास करा देती है सेठ। रिक्विजिशन उर्मिला जी को दे दीजिए, वो सैंक्शन कर देंगे। हुसैन जी, मैं हूँ डॉक्टर साक्षी। क्या बात है साक्षी, एनी प्रॉब्लम? जी, वो एक लेडी आई हुई है बाहर, खुद को किसी मिनिस्टर की वाइफ बता रही है। उसके साथ एक पेशेंट है, लेकिन वो इंसिस्ट कर रही है कि उसे आप ही से मिलना है। ठीक है, अंदर बुला लो। जी। अरे, विदाउट परमिशन आप अंदर कैसे आ गई? मुझे इंतजार करने की आदत नहीं है, और आप शायद भूल गई हैं कि मैं कौन हूं। जी नहीं, ये भूल ही नहीं है आप कौन हैं। इन्होंने अभी अभी मुझे बताया कि आप मिनिस्टर की वाइफ हैं। बैठिए आप, और बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है। देखिए डॉक्टर सिमरन, मैं अपनी मेड को मेरे साथ लेकर आई हूँ उसका अबॉर्शन करवाने के लिए, लेकिन वो अबॉर्शन करवाना ही नहीं चाहती है। अब आप जानती है कि एक लड़की शादी से पहले अगर बच्चे को जन्म दे देती है तो समाज में उसका और उसके घर वालों का मुंह काला हो जाता है, लेकिन ये गरीब लोग ये क्या समझे इज्जत बेइज्जत है। देखिए, मैं एक बार पेशेंट से मिलना चाहूंगी। आप उससे मिलकर क्या करेगी? आप तो अपना काम शुरू कर दीजिए। वैसे भी वो लड़की बहुत डरी हुई है। आप रकम बताइए, मैं अभी आपको देने के लिए तैयार हूं। एक्सक्यूज मी, हमें भी कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। हम अकेले में पेशेंट का चेकअप करना चाहेंगे। ठीक है। मैंने चेकअप कर दिया है। सब ठीक तो है ना? उसके पूरे बदन पर जख्मों के निशान हैं। शी इज ट्रॉमेटाइज्ड। तो मेरा शक सही निकला? जी, उसे बहुत बुरी तरह से मारा है। वेयर इज द पेशेंट? यहाँ ही आपके साथ। क्या नाम है आपका? जी शांति। शांति सुनो, अपने डॉक्टर से और अपनी माँ से कभी कुछ नहीं छुपाते। अगर कुछ कहना चाहती हो तो कह सकती हो, हमसे बात कर सकती हो। जबरदस्ती हुई है मेरे साथ। मेरी सेठ की बेटी ने जबरदस्ती की है, उसी का बच्चा मेरे पेट में है।